हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे फॉर्मेट में जाने सेल्स का। सेल्स का फॉर्मेट होता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें आप वैल्यू फिल कर सकते हो। डिफॉल्ट में आप किसी भी तरह की वैल्यू उस सेल में एंटर कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ एक अलग तरह का डेमो देखेंगे। इस तरह से मैं एक नंबर लेता हूँ और यहाँ एक फॉर्मूला या फंक्शन इंसर्ट करता हूँ। तो देखिए, इसने नंबर कन्वर्ट कर दिया है। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ इस कलर से। इस ड्रैग हो गया। इसके सेल का फॉर्मेट जो है वो तो नंबर है। फॉर्मेट सेल्स में आप देखते हैं नंबर है और जनरल फॉर्मेट है, तो ओके कर देते हैं। इसी तरह से ये जो सेल्स है, ये केवल आपको दिखाने के लिए मैं कलर कर रहा हूँ, कलर की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सेपरेटली दिखाई दे इसलिए मैं इसको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। यह हम लोग फॉर्मेट सेल्स में जाके टेक्स्ट कर देते हैं, ओके। अब देखते हैं, मैं नंबर भी वही ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ हमने फार्मूला टाइप किया, इस वजह से फार्मूला टाइप हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ सम कैलकुलेट नहीं हुई है। हमने जो टाइपिंग किया वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इसलिए कैलकुलेशन नहीं होगा। इस तरह से हम लोग सेल का फॉर्मेट हमें जो चाहिए वो रख सकते हैं। इसमें सेल में काफ़ी डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। परसेंट होता है, करेंसी होता है, डेट होता है, टाइम होता है, साइंटिफिक होता है, जिसमें काफ़ी बड़े नंबर्स इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। फ्रैक्शन होता है और इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज या फ्रैक्शंस दिखा सकते हैं। बूलियन वैल्यू होती है जो कि ट्रू और फॉल्स, यानी दो ही वैल्यू आएगी उसमें, वाई और एन, यस और नो, ट्रू फॉल्स इसी तरह से। और टेक्स्ट में आप टेक्स्ट वैल्यू रख सकते हो, यानी आप जो भी टाइप करेंगे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में रहेगा। इस तरह से फॉर्मेट सेल कमांड का यूज होता है। आपका डेटा जिस टाइप का हो उस तरह से आप यहाँ फॉर्मेटिंग मेंटेन कर सकते हो। थैंक यू।